ये वीडियो सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ, जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे फौजी भाइयों की इज्जत का सवाल है। हमारे लिए एक इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है, इससे घटिया और नीची बात कोई नहीं हो सकती। हमारे फौजियों पर कश्मीर में पत्थर बरसाने वाले 9,797 कुत्तों को, यानी कि 10,000 उन गंदी नाली के कीड़ों को, पत्थर बरसाने वाले कुत्तों को बरी कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ हमारी फौज पर कोई भी पत्थर उठा और मारो, कोई रिपोर्ट ही नहीं होनी, कोई शिकायत ही नहीं होनी, उनको डर बह क्या होगा। जिसको एक जुर्म करने के बाद बरी कर दिया जाता, उनको कोई सजा ही नहीं मिलती, वे बाज आ जाएंगे इस चीज से, कोई जवाब देने वाला इस चीज का। अब कल हमारे चार फौजी भाई शहीद हो गए, एक की उम्र भी 24 साल से ऊपर की नहीं है, एक फौजी भाई की उम्र भी 24 साल से ऊपर नहीं है। थोड़े दिन पहले, अभी 10 दिन पहले हमारा सोनीपत का भाई शहीद होया था, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। कोई सा नेता अपने बेटे ने पटवा चुका वहां खड़ा करके, बिना सिक्योरिटी के खुद जाके देखो और खुद पत्थर खाओ, खुद पत्थर खा के फिर उसको बरी करो, जब बताओगे तुम्हारा इतना बड़ा दिल है। इससे घटिया बात और क्या होगी। इसका मतलब तो ये हो गया कि फौज पटवाने के लिए ही बना रखी, कोई भी आओ, कोई भी मार जाओ और बरी हो जाओ। ये हथियार इसीलिए दे रखे क्या कि हथियार लो, उनको चलाना नहीं है बेटा, पत्थर खाना आराम से सर में। कुछ साले माओवादी गुंडे आओगे, पत्थर मारेंगे, वो पत्थर खाने हैं और शहीद हो जाना है, इसी नाम की तनख्वाह मिलती है उनको। सबसे बड़े बुजदिल तो हम हैं, आराम से बैठ के इस चीज को देख रहे हैं, ये फैसले आज इन्हें सुन रहे हैं। अरे कम से कम भले आदमियों, अपने फौजी भाइयों की इज्जत का सवाल है, एक वीडियो बनाकर, एक एक वीडियो बनाकर अगर हम सब डाला, हम कुछ नहीं कर सकते हम, लेकिन घर बैठे के एक वीडियो डाला ना सबके सब, सरकार की नाक में दम आ जाएगा कि हाँ भाई ये गलत फैसला गलत हो रखा। कम से कम एक एक वीडियो बनाकर जितने फौजी भाई या नियमान की फौजी भाई देश के लिए जान दे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, एक एक वीडियो फौजी भाई के लिए जरूर डालना। ये सारे भैया तो विनती है। जय हिंद, नमस्कार।